पूजनी संत समाज, देवियों और देवताओं, अनेक विद्वानों ने सद्गुरु कबीर के विषय में अपने विचार रखे। सभी के विचार प्रशंसनीय रहे। उन्हीं बातों को मैं भी कहूंगा, कोई नई बात क्या कहूंगा। कबीर एक ऐसे महामानव हैं जो मानव को मानव से जोड़ते हैं। अगर हम ज्ञान के पक्ष को निर्धारित करें तो एक उसमें समाज होगा, एक धर्म होगा, एक अध्यात्म होगा। समाज के विषय में उनका क्या दृष्टिकोण है, धर्म के विषय में उनका क्या दृष्टिकोण है, अध्यात्म के विषय में उनका क्या दृष्टिकोण है, इस पर थोड़ी थोड़ी चर्चा करूंगा। पहली बात है, आदमी समाज में पैदा होता है, समाज से उपकृत होता है। मैंने कपड़े पहन रखे हैं, ये कपड़े किसने दिए, किसने बुना, सूत किसने काटा, रुई किसने धुनी, उटाई किसने की, बीज किसने निकाला, किस खेत में हुआ, किसके खेत में हुआ, कौन मजदूर काम किए, एक कपड़ा के पीछे सैकड़ों हजारों हाथ दिखते हैं। इसी प्रकार आप अन्दाज कर सकते हैं, हम अन्न खाते हैं, गाड़ी पर बैठते हैं, सड़क में चलते हैं, दुनिया की तमाम चीजों का उपयोग करते हैं, प्राकृतिक शक्तियों का उपयोग करते हैं, हवा का, पानी का, अनंत विश्व ब्रह्मांड का। सूरज अगर ठंडा हो जाए तो पृथ्वी निर्जीव हो जाए। कितना उपकृत है हम संसार से। हमारा कर्तव्य है कि हम भी समाज की सेवा करें। समाज मनुष्यों के समूह को कहते हैं। मनुष्य के अतिरिक्त प्राणियों को समझ विद्वान लोग कहते हैं। जो मनुष्य के अतिरिक्त प्राणी हैं, जानवर, उनको समझ कहते हैं, उनका समूह, और मनुष्य के समूह को समाज कहते हैं। अन्य प्राणियों के साथ हमारा कर्तव्य है हम किसी को तकलीफ न दें। मनुष्य के लिए हमारा कर्तव्य बहुत ज्यादा है, और जिस पर सभी विद्वानों ने कहा है और कबीर साहब का एक प्रमुख विचार है कि मनुष्य से मनुष्य मिले तो जात पूछ करके उसकी कीमत मानने की भूल न करें। मनुष्य है बस काफी है, मेरी जात का है। जात तो होती ही नहीं मनुष्य में। जात सक भाषा का शब्द है, उसका अर्थ होता है पैदा होना। जात पैदा हुआ, जाति पैदा होना। पैदाइश सबकी एक है, मनुष्य मात्र की पैदाइश एक है। इंग्लैंड का और भारत का, दो जगह के व्यक्ति हों, स्त्री और पुरुष, उनसे गर्भधारण हो जाएगा। भूमंडल के किसी कोने के नर और नारी के संपर्क से गर्भधारण हो जाएगा। तो जात तो एक है, बकरी से और सुअर से बच्चे नहीं होंगे, इसलिए उनकी जातियां अलग हैं। घोड़ी से और हाथी से बच्चे नहीं होंगे, इसलिए उनकी जातियां अलग हैं। लेकिन मनुष्य में तो ऐसा नहीं देखा जाता है, इसलिए मनुष्य की दो जाति है ही नहीं है, जाति एक है। ये प्राकृतिक विधान को हमें समझना चाहिए। कबीर साहब ने जो कुछ कहा है वास्तविकता को कहा। कबीर साहब का कोई ईश्वरी ग्रंथ नहीं था, उनका रूढ़ ईश्वर नहीं था किसी संप्रदाय का बनाया, उनका कोई देवता नहीं था। मनुष्य उनका देवता था, मनुष्य उनका ईश्वर था, विवेक उनका वेद और शास्त्र था। इसलिए उन्होंने अपनी वाणी में जो कुछ कहा निर्भय होके कहा, परवाह नहीं की वेद में क्या लिखा है, कुरान में क्या लिखा है, इसकी परवाह नहीं की, जो सत लगा वो कहा। लेकिन आप वेद कुरान पढ़ें तो जो सत वहां होगा कबीर की वाणी से मिलेगा।
सब में विभेद नहीं होता है, कहीं कभी हो। कबीर की ये सबसे बड़ी जबरदस्त अपील है आपसे कि आप मानव की कीमत को घटावें ना। मैं शायद सुबह भी कहा था या कल कहा था कि मनुष्य की जात पूछ करके जो ऊंच नीच की भावना बनती है ये अपराध है, लोग कहते हैं। मैं कहता हूं महापाप है, अपराधी नहीं महापाप है। कोई अपने को ब्राह्मण मानता है वो कल्पना करे कि जिससे वो चमार मानता है, मेहतर मानता है, उस घर में जन्मा होता तो क्या चाहता। अगर वो समझदार है तो, नहीं समझदार है तो बात छोड़ो, चेतना ही मार दी गई थी। तुम नीच हो, भगवान ने नीच करके पैदा किया है, इसलिए लोग अपने को मानते थे कि हम सचमुच नीच हैं। इसका अनुभव मुझे बचपन में है। ऐसे लोग आते थे दरवाजे पर जहां ये शरीर जन्मा, जब उनको बैठाना चाहता, नहीं भैया हम नीच जात के, उनके मन में ऐसा बैठा दिया गया है कि वे नीच हैं ऐसा वो समझें। लेकिन उन्हीं के लाल आजकल पढ़ रहे हैं, अफसर हो रहे हैं, विद्वान हो रहे हैं। वे समझते ये सब चालबाजियां थी। जन्म से कोई नीच ऊंच नहीं होता है, कोई भगवान के मुख से नहीं पैदा हुआ है, भगवान के पैर से नहीं पैदा हुआ है। भगवान की कल्पना समाज के लिए, सहस्र ईर्षा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्रपाद सब भूमिम विशतो वृत्तात् तिष्ठत् दशांगुलम, ये जो ऋग्वेद के विराट पुरुष के वर्णन में है पुरुष सूक्त में, उस समाज के लिए है। ये समाज विराट पुरुष है और अलग अलग व्यक्ति मानो उसके हाथ पैर हैं। साणाचार्य ने ऐसा ही भाष्य किया है। वेद क्या कहते हैं जो मैंने लिखा है उसमें साणाचार्य का भाष्य उद्धृत किया है मैंने, हिंदी में उसका अनुवाद कर दिया है और उनका मूल भी रखा है। साण भी स्वीकारते हैं ये समाज विराट पुरुष है। कोई विराट पुरुष आकाश में नहीं है जिसके पैर से शूद्र हो गया। अब अगर पैर से शूद्र हो गया तो बुरा क्या हुआ। एक दूसरे से मिलते तो कहते भैया पाय लागी, सिर लागी, कोई नहीं कहता है। कोई ब्राह्मण का नमस्कार नहीं करता, सब शूद्र का नमस्कार करते क्योंकि पैर शूद्र है। पाय लागी कहते मतलब शूद्र का नमस्कार, ब्राह्मण का नमस्कार कोई भी नहीं करता है। सिर लागी कोई कहता है, और सिर से ब्राह्मण हुआ है उसको कोई पूछता ही नहीं। पैर पूजा जाता, सिर कोई नहीं पूछता है। तो अपने दामन को हमें देखना चाहिए। ये बहुत बड़ी गंदगी है मनुष्य में जो जात मान करके मनुष्य की कीमत मानता है, अपराध नहीं पाप करता है। इस पाप को दिल से निकाल दो, मानो से जात पूछना बंद करो। जहां आचार विचार पवित्र देखो खान पान का व्यवहार करो, ना आचार विचार पवित्र देखो खान पान का व्यवहार न करो, जात पूछने की जरूरत नहीं। विवाह शादी करने का आपका जहां विचार हो करो, अंतर जाति करो, अपनी जाति में करो, आप जानो। लेकिन उसमें ऊंच नीच की भावना पेश करके समाज में विकृत न लाओ। कबीर के विचारों को सुने तो कम से कम इसका ध्यान देना चाहिए। पार्श्वनाथ जी ने कहा पूछ काटे हम अपनी अपनी, सबको पूछ बड़ी प्यारी है। अब आज के जमाने में और पूछ लग रही है, ये सरनेम जिसे कहते पूछ है, ये पूछ को काट दो, सच्चे मनुष्य बनो और एक दूसरे से मिलो तो प्यार का बर्ताव करो। समाज में ये सबसे बड़ी शर्त है कि मानव को हम मानव समझें, दूसरे को तकलीफ देने की भावना समाप्त हो। अपने पर जितना संयम होगा हम दूसरे को तकलीफ नहीं देंगे। जो अपने पर संयम नहीं करेगा वो दूसरे को तकलीफ देगा पक्का। अहिंसा व्रत का पालन तभी संभव है जब संयम का पालन अपने जीवन में हो। मानो मानो की दृष्टि से मानो को देखे। कबीर साहब ने धर्म के विषय में कहा कि धर्म संप्रदाय नहीं है, सदा धर्म जाके हृदय अवसई, राम कसौटी कसते रही।
जिसके हृदय में सदैव धर्म बसता है वो राम कसौटी से अपने को कसता रहता है। राम कसौटी का अर्थ है अंतरात्मा की कसौटी। वेद का वेद हमारा दिल है, लव ही महफूजस्त दरमानी दिलत हरचमी ख्वाही सबज जो हासिलत दर हकीकत खुद तुयुम मुल किताब खुद जी खुद आयात खुदरा बाजे आप। मनुष्य का दिल लव ही महफूज है, सुरक्षित चित्रपट है। हर काबिल चीज मनुष्य को अपने दिल से निकालना चाहिए और कुरान की आयतों को भी अपने दिल से निकालना चाहिए, ये किसी महापुरुष ने कहा। सर्वासाम विद्यानाम हृदयम एव कायनम, पंडितों ने भी कहा सर्वासाम विद्यानाम हृदयम एव एकायनम। मनुष्य का हृदय ही एक है जो समस्त विद्याओं का केंद्र है। इसलिए वेद का वेद, कुरान का कुरान, बाइबिल की बाइबिल, गुरुवाणी की गुरुवाणी आपका दिल है। अपने दिल को साक्षी बना करके काम करना धर्म का आचरण है। हम नहीं चाहते हैं दूसरे हमें तकलीफ दें, हम दूसरे को तकलीफ देते हैं तो पाप करते हैं। धर्म का बड़ा सहज स्वरूप है, जब हम दो मिलें एक दूसरे को असुविधा ना उत्पन्न करें। जो बन सके सेवा करें, सबकी तो सब सेवा नहीं कर सकते क्योंकि हमारी शक्ति सीमित है और समय सीमित है, किंतु तकलीफ भर न दें दूसरे को तो सेवा अपने आप हो जाएगी। पूजा हम मंदिर में करते हैं या घर में करते, दफ्तर में नहीं, दुकान पर नहीं, कारखाने में नहीं, खेत में नहीं, सड़क पर नहीं। अब असली पूजा इन जगहों में, जब क्लर्क और अफसर ऑफिस में बैठे, जितने ग्राहक आते हैं काम कराने के लिए उनको देवी देवता समझे, दुकानदार दुकान पर ग्राहकों को देवी देवता समझे, हर क्षेत्र में जिसका जो काम है उसको पूजा समझ करके करे, ये असली पूजा होगी। फिर अपने नियम के अनुसार कोई पूजा अलग से करता है कोई बात नहीं, करे, फूल पत्ती कहीं चढ़ाता है, पुकारता है। कुछ लोग मूर्तियों के सामने सिर झुकाते हैं, कुछ लोग आकाश में पुकारते हैं, उनका अपना अपना विचार है, कर सकते हैं। लेकिन अगर आकाश में ईश्वर है और मूर्तियों में ईश्वर है तो मनुष्य में ईश्वर और अच्छा है। कहते हैं मार्स नास्तिक है, मार्स मनुष्यों का पक्षधर है। अगर शून्य में ईश्वर है और मूर्तियों में ईश्वर है तो मनुष्य में ईश्वर नहीं। लेकिन हम या तो मूर्तियों को पूजते हैं, शून्य में पुकारते हैं, मनुष्य को ठगते हैं। हर जगह मनुष्य को धोखा दिया जा रहा है, क्लर्क देते हैं, अफसर देते हैं, साधु देते हैं, गृहस्थ देते हैं, व्यापारी देते हैं, नेता देते हैं, चमत्कार फैला करके, अंधविश्वास फैला करके शोषण, बौद्धिक शोषण किया जा रहा है। कबीर साहब चमत्कार के घोर विरोधी, काहू के बच नहीं फुरे काहू करामाती, मान बढ़ाई ले रहे हिंदू तुर्क जाती, बात ब्योते आसमान की मुद्दत निरानी, बहुत खुदी दिल राखते बूढ़ी बिन पानी, कहें कबीर कासो कहो सकलो जगंदा, साचे सो भागा फिरे झूठे के बंदा। किसी की वाचा सिद्धि हो रही, कोई आकाश में उड़ रहा है, कोई सूक्ष्म शरीर बना करके उड़ रहा है। अभी पीछे कुंभ हुआ था तो उसमें एक जापान के संत आए थे, उन्होंने अपने को छपवाया था आकाशगामी। तो यहाँ का एक वकील योग्य व्यक्ति है, उसने कहा कि महाराज जरा उड़ करके दिखाइए। कहे 40 दिन की इसमें साधना करनी पड़ती है। तो उसने कहा मैं साथ में रहूँगा आपके। कहे 40 वर्ष के बाद पहले की 20 वर्ष के पहले किया था, अब उसमें समय लगेगा। यहाँ पर झूसी में तकी की समाधि है, कब्र है, कबीर साहब ने अपनी बाड़ी में कहा है। तो मैं जब वहां गया तो मुल्ला ने कहा कि तकी तो शेख तकी तो महान थे ही, उनके पिता और महान थे। उन्होंने एक प्रमादी राजा का हाथ ऐसे उलट दिया तो उसका किला उलट गया। हम कहे हाथ उलटने से किला कैसे उलट जाएगा। कहे आप कहिए तो मैं पेड़ को ऐसे हाथ करूं उखड़ जाए। हम कहे कहिए। कहे हाथ मिलाइए। तो मैंने हाथ मिलाया तो हंस करके कहते अच्छा फिर कभी। वो सोचे होंगे ये साधु हैं हाथ नहीं मिलाएंगे हमें मुसलमान मान करके, लेकिन मैं तो ऐसा मानता नहीं हूं।
एक मुस्लिम लड़का मेरे साथ था, 20 वर्ष साधु था, मेरा भोजन बनाता था। ईसाई लड़का था मेरे पास, वो मेरे भोजन बनाता था। मेरे पास साधु जितने में पूछते नहीं हो तुम किस जात के हो, बहुत से बच्चे हैं, कभी नहीं पूछता हूँ किस जात के हो, न गृहस्थ से पूछता हूँ न साधु से पूछता हूँ। तो हमें चरका दिए कि हाथ मिलाइए, तो हाथ मिला दिया, तो क्या अच्छा फिर कभी। चमत्कार जहां तक है, चाहे कबीर साहब के नाम से हो, चाहे रामकृष्ण के नाम से हो, चाहे ईसा और बुद्ध के नाम से हो, नाम कहां तक लिया जाए, किसी के नाम से हो, ये भक्तों ने जोड़ा है। और ये माया जोड़ने, घर जोड़ने की माया है, घर जोड़ने के लिए, अपने को बड़ा सिद्ध करने के लिए। कोई महात्मा आकाश में नहीं उड़ सकता है, कोई भुनगा नहीं हो सकता, कोई हाथी नहीं हो सकता है। योग दर्शन में विभूत पाद है, उसमें ऐसी बकवास है, उसके भाष में मैंने काफी ऑपरेशन किया, काफी क्या पूरा किया, और पंडितों ने भी सराहा है कि यही उपयुक्त है। चमत्कार अंधविश्वास है, चमत्कार मनुष्य के बुद्धि के शोषण करने के लिए गढ़ा गया है। मनुष्य के बुद्धि को चमत्कार में डाल करके उसको कमजोर बनाया जाता है, फिर उसका बौद्धिक शोषण के बाद आर्थिक शोषण और शारीरिक और सब प्रकार का शोषण चलता है। बाबा चमत्कारी, बाबा स्वयं बीमार हो जाते हैं, कौन चमत्कारी है? इसलिए सारे चमत्कार केवल अंधविश्वास है। कबीर साहब इसके विरोधी, कबीर साहब विरोधी हैं, वो इतने इसीलिए वो सच नहीं है, किंतु यही सच है कि चमत्कार होता ही नहीं है। चमत्कार का मतलब है कि यहां से हम उड़े आकाश में चले जाएं, भुनगा हो जाएं, हाथी हो जाएं, सबके मन की बात जान लें, एक क्षण में इंग्लैंड अमेरिका से घूम आए, इत्यादि बातें, 1 किलो चावल पकाएं और 1000 लोग खा ले और 1 अंडा भात बच जाए, ऐसी ऐसी बहुत सारी बातें जो उल जुलूल हैं, धर्म की बातों में खूब लिखी जाती हैं, और इसको धर्म वाले अपना प्राण तत्व मानते हैं। यह धर्म का विनाशक, सिद्ध का मतलब है परिपक्वता, सिद्ध का अर्थ है मन पर विजय, इंद्रियों पर विजय, चित्त में शांत, ये सिद्ध है। आकाश में उड़ना सिद्ध नहीं। कबीर साहब ने धर्म के क्षेत्र में चमत्कार को बिल्कुल दूर रखने कहा। कोई एक अधिकारी ठेकेदार कल्याण का नहीं है, अमुक संप्रदाय से मोक्ष होता है, अमुक संप्रदाय से स्वर्ग मिलता है, महादुर्भाग्यपूर्ण विचार है। अभी कुछ लोगों ने आकर के मुझे बताया था, 10-20 दिन पहले, एक पादरी महोदय आए शुलिम सराय, परंपरा भारतीय परंपरा, राम कह करके, राम वो श्री राम को नहीं कहते हैं, राम से अर्थ है ईश्वर, ईश्वर का अवतार हिंदू मानते हैं, राम को कृष्ण को विष्णु शिव इत्यादि उनके विशेष देवता माने जाते हैं। सामी परंपरा में ईसा मूसा मोहम्मद दाऊद ये सब पैगंबर माने जाते हैं, ये सब राम और अल्लाह के पोंगरा हैं, बालक। साहब कहते हैं सुगुरु पीर हमारा, वो हमारे गुरु पीर है। यहां अवतारवाद और पैगंबरवाद का बिना खंडन किए हुए वो अपना गुरु पीर मान करके उसका खंडन कर देते हैं। जितने महापुरुष हैं आर्य परंपरा और स्वामी परंपरा में, और इसका लक्षणार्थ है पूरी दुनिया में सब हमारे गुरु पीर है। ये मंत्र स्वीकारना चाहिए हमें आपको। अगर आप कबीर के प्रेमी हैं तो राम कृष्ण बुद्ध महावीर कबीर नानक दादू दरिया घीसा पलटू ईसा मूसा सबके प्रति श्रद्धावान हो। वही महादेव वही मोहम्मद ब्रह्मा आदम कहिए, को हिंदू को तुरु कहा एक जिमी पर रहिए। साहब कहते अगर महादेव में श्रद्धा करते हो तो मोहम्मद में भी करो, मोहम्मद में करते हो तो महादेव में भी करो। आखिर एक मुसलमान क्या चाहेगा, हजरत मोहम्मद के प्रति लोग आदर करें, तो उसे चाहिए कि दूसरे महापुरुषों को आदर करें। एक राम उपासक क्या चाहेगा कि श्री राम का वो आदर करे, सभी लोग आदर करें, लेकिन ईसा मसीह का आदर नहीं करेंगे तो कैसे श्री राम का आदर होगा।
श्रद्धा की समग्रता सभी महापुरुषों के प्रति नतमस्तक होने की जरूरत है इसमें, और सभी किताबों को आदर देने की जरूरत है, सभी परंपराओं को आदर देने की जरूरत है, लेकिन उससे बढ़ करके विवेक को आदर देने की जरूरत है। विवेक के बिना हम बह जाएंगे। कोई पुस्तक स्वतः प्रमाण नहीं, गुरु की बात भी विचार करके मानना कोई अपराध नहीं, विवेक सबसे बड़ा है। अगर पिता ने आदेश दिया वो गलत है, उसको मान लेने से ना पिता का कल्याण है ना पुत्र का कल्याण है। गुरु ने गलत आदेश दिया तो उसको मानने से भी शिष्य का कल्याण नहीं, गुरु का भी कल्याण नहीं है। और विवेक से जो काम होगा, गुरु शिष्य पिता पुत्र सबका उसमें कल्याण होगा, तो विचार करना क्या बुरा है। इसलिए साहब ने कहा, सुनिए सबकी निवेदिए अपनी, सबकी बात सुनो और विवेक से निर्णय करो। जैसे जात पात में ऊंच नीच की भावना विष, वैसे संप्रदायों में, इन धार्मिक संप्रदायों में यह विष है कि मेरा संप्रदाय मोक्ष का रास्ता और स्वर्ग का रास्ता और दूसरे का नरक का रास्ता है, मेरी किताब ही ईश्वरीय दूसरे का अनीश्वरीय, मेरा पुरुष ही राय ईश्वर का रास्ता बताता और दूसरे का नहीं। ये बिल्कुल भ्रांति है, धोखा है, और अपने मत को सब पर थोपने का प्रयास है और गलत है, और इसमें धर्म का विकास कभी नहीं हुआ। इसमें सांप्रदायिकता का विष फैला रहा है, आवाज भी फैल रहा है। इसलिए सभी संप्रदाय वालों को ध्यान देने की जरूरत है, सब विनम्र बने, विवेक रखें और सबका आदर करें, सभी महापुरुषों का आदर करें, सभी ग्रंथों का आदर करें, सभी संप्रदायों का आदर करें, और विवेक से जो सत निकले उससे उसका उपयोग करें, अपना कल्याण करें, दूसरे के सहयोगी बने। कबीर वाणी में धर्म संप्रदाय के विषय में यही बात आई है, भाई रे दुई जगदीश कहाँ ते आया, कह कोने बोराया, अल्लाह राम करीमा केसो हरि हजरत राम धराया, जेते औरत मर्दु पाने सो सब रूप तुम्हारा, एक तो चा हाड़ मलमूत्रा एक रुद्र एक गुदा, एक बुंद से सृष्टि रची है को ब्राह्मण को सूद्रा, रजोगुण ब्रह्मा तमोगुण शंकर सतो गुड़ी हरि होई, कहें कबीर राम रम रही है हिंदू तुर्क न कोई। सभी विषय में वे साफ साफ बातें कहते हैं। तो समाज के विषय उनका दृष्टिकोण है कि मानव मानव को मानव की दृष्टि से देखे, ऊंच नीच की भावना पाप है, दिल से बिल्कुल निकालो, आप ऊंच नहीं हो आप नीच नहीं, दोनों धोखा है, दोनों धोखा को निकालो, आप मनुष्य हो मैं मनुष्य हूं, मनुष्य से प्रेम करो। संप्रदाय कोई ऊंचा नीचा नहीं है, सब संप्रदाय मनुष्य के चलाए हैं, धर्म एक है जो शील है, नमाज पढ़ो पूजा करो राम को रहीम को, ये संप्रदाय की बात है, लेकिन शील से रहना, क्षमा से रहना, दया से रहना, परोपकाररत रहना, ये सच्चा धर्म है। अंतिम बात अध्यात्म है, मनुष्य जो कुछ पाए अंत में उससे संतुष्ट नहीं हो सकता, बहुत विद्वान हो जाने पर भी अंदर खाली खाली लगता है, बहुत बड़े पद पर जाने पर भी आदमी को असंतोष है, बहुत बड़े आचार्य मंडलेश्वर जगत गुरु बन जाने पर भी उसमें उसको आत्म शांति नहीं मिलेगी, चाहे साधुओं का पद हो चाहे गृहस्थों का पद हो, दोनों खोखले। गुरु बाबा बनने से भी कल्याण नहीं होगा, साधक बनने से कल्याण होगा। अपने को पहचानो मैं कौन, जो अपने को नहीं पहचानता वो परमात्मा को क्या पहचानेगा, आत्मा को पहचाने तभी वो परमात्मा को समझ सकता है। कह नानक बिन आपा चीने मिटे न भ्रम की काई, नानक साहब ने कहा आपा को पहचाने बिना भ्रम की काई नहीं मिट सकती। आपा को पहचाने, आपका स्वरूप क्या है, आप देह नहीं, आप शुद्ध चेतन आत्मा, शरीर के मिट जाने पर भी नहीं मिटता है। आप कहेंगे विश्वास है, विश्वास नहीं है तथ्य, जो कुछ है वो मिटता नहीं और जो नहीं है वो आता नहीं, जो है सो है, जड़ भी है चेतन भी है, जड़ से शरीर बना है, चेतन उसमें साक्षी दृष्टा है, उसके निकल जाने पर शरीर बेकार हो जाता है, तो शरीर के अवयव चेतन कैसे हो सकता है। मिट्टी पानी आग हवा कहें, ऑक्सीजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन कहें, ये सब जड़ है,
दो वैज्ञानिकों से मेरा संपर्क हुआ यात्रा में, यहाँ एक यात्रा में हुआ, फैजाबाद से मैं कलकत्ता जा रहा था, और एक भोपाल में हुआ, वहाँ कबीर जयंती छठी शताब्दी सरकार मना रही थी, मुझे बुलाई थी, तो वीआईपी गेस्ट हाउस में रखा, तो उसमें एक वैज्ञानिक आए थे बम्बई से, वो मेरे पास आए, दोनों का अनुभव मैंने एक देखा। उन दोनों ने अपने भिन्न समय में कहे थे, भिन्न देश में कहे थे, लेकिन दोनों के प्रश्न एक थे। उन्होंने कहा था कि महाराज आत्मा को हम नहीं मानते, इसी बात नहीं समझ नहीं पाते। तो मैंने कहा था आप आत्मा को क्षण से पकड़ना चाहते हैं, यही भूल है। मैंने कहा आपके ऑक्सीजन में, हाइड्रोजन में, नाइट्रोजन में, फास्फोरस में, रेडियम में चेतना है? कहे नहीं है। तो मैंने कहा मूल द्रव्यों में, जिस मूल जड़ द्रव्य में चेतना नहीं है, उनके कार्यों में चेतना आ सकती है? तो गंभीर हो गए, कहे नहीं आ सकती। मैंने कहा चेतना एक गुण है जो हमारे आप में है, गुण द्रव्य में रहता है, चेतना रूपी गुण किस द्रव्य का है? कि ये हम नहीं समझते हैं। तो हमने कहा उसी द्रव्य को हम लोग आत्मा कहते, रूह कहते, सोल कहते, जीव कहते, चेतन कहते, वो द्रव्य चेतना गुण है और वो आपका स्वरूप है, आप सब कुछ जानते हैं और जान करके उसमें उलझते हैं। किसको जानते हैं? दृश्यों को, आंख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, जीभ से चखते हैं, चाम से छूते हैं, मन से सोचते हैं और इन्हीं में रमते हैं रात दिन, इन्हीं को ऐश्वर्य मानते हैं। ये सब कूड़ा कबाड़ है, ये कूड़ा कबाड़ से अपने को निवृत्त करने की जरूरत है। इसी के लिए सत्संग, साधना और एकांत की जरूरत है। समय निकाल करके अपने अनुसार सभी को चाहिए, गृहस्थ विरक्त सबको समय निकाल करके अकेले में बैठे। संतोष सहज समाधि भली, गुरु प्रताप जा दिन से प्रगटी, सुरत नांत चली, जहाँ जहाँ डोलो सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा, जब सो तब करो दंडवत भाव मिटाओ दूजा, आंख न मूदो कान न रूदो, काया कष्ट न धारो, खुले नयन हंसी हंस पहचानो, सुंदर रूप निहारो, शब्द निरंतर से मन लागा, मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कबो न छूटे, ऐसी तारी लागी, कात कबीर सहज हैरानी, सो प्रगट कर गाई, सुख दुख से कोई परे, परम पद सो पद है सुखदाई। इस सारी पंक्तियों का भाव कहने का समय नहीं, लेकिन सबका सार है अपने को विषयों से निवृत्त करना। एक देखने वाला है, एक दिखती हुई वस्तुएं, दिखती हुई वस्तुओं से देखने वाला अलग है, दृष्टा दृश्य दोनों अलग है, दृष्टा आत्मा है और दृश्य जड़ है। दृश्य में आत्मा उलझ उलझ करके दुखी है, देह में आप बैठे हैं तो ये घर द्वार मठ मंदिर सब कुछ का आभास हो रहा है, जिस दिन देह फूट जाएगी ये सब लापता हो जाएंगे। हमारा और संसार का संबंध ऐसा धोखा का है, अभी शरीर टूटे पता नहीं रहेगा संसार हमारे लिए कहाँ गया। गाढ़ी नींद में रोज सबका अनुभव क्या होता है? अपना माना हुआ शरीर भूल जाता है, दुनिया में क्या अपनी चीज है? कोई अपनी चीज नहीं, अपना आपा ही अपना है, उस आपा को पहचाने है। आपन को आप ही बिसरे हो, जैसे स्वान कांच मंदिर में भरमित भूस मरे हो, ज्यो के हरि बप निरक उपजल प्रतिमा दे की पर्यो, वैसे ही गज फटिक शिला सो दसनन आनी अरे, मरकट मूठ स्वाद नहीं बिहुरे, घर घर रत फिरो, कहें कबीर नलनी के सोना तो ही कौने पकड़ो। तुम अपने आप को स्वयं भूल गए हो, जैसे एक सिंह पानी में अपना प्रतिबिंब देखा, समझा हमारा दुश्मन है, उससे लड़ने के लिए कूदा और डूब के मर गया। ऐसे अनेक उदाहरण इस पद में आए हैं। हम अपने प्रतिबिंबों से जीवन भर लड़ते रहते हैं, राग द्वेष करके जीवन भर लड़ते, पत्नी से लड़ते हैं, पति से लड़ते हैं, पुत्र से लड़ते हैं, गुरु से लड़ते हैं, शिष्य से लड़ते हैं, पड़ोसी से लड़ते हैं, वो अपने प्रतिबिंबों से लड़ते हैं, अपने राग द्वेष से लड़ते हैं। राग द्वेष की वृत्तियां निवृत्त होंगी, लड़ाइयां अपने आप बंद होगी। जरूरत है हमें अपने आप को सुधारने की, अपने आप को मांझने की। कबीर साहब ने कर्म सिद्धांत रखा, आपन कर्मन मेट हो जाई, कर्म के लिखा मिटे दो कैसे, जो जो कोट सिराई।
अपना कर्म फल भोग सबको भोगना होगा। श्री राम ने बाली को छिप के मारा तो पंडितों ने क्षमा नहीं किया और लिखा श्री राम ही कृष्ण हुए और जरा नाम के व्याध से मारे गए। श्री कृष्ण जी ने शिशुपाल की भुजा उखाड़ ली, उखाड़ा तो नहीं गोद में लिया था, और उसके अतिरिक्त दो भुजाएं थी निकल गईं, तो माना गया उखाड़ा। तो आप भय हरि ठूठा जगन्नाथ में भगवान लूले बैठे। कहा जाता पंडित पोगापंथी होता है, पंडित पोगापंथी होता है, महात्मा पोगापंथी होता है, मुल्ला पोगापंथी होता है, ज्ञानी जी पोगापंथी होता, सब में पोगापंथी होते हैं और सब में विवेकी हो सकते हैं। ये पंडित ही ने कहा है कि आप भैरव हर पुराणों में जो लिखा है कि श्री कृष्ण को अपना फल भोगना पड़ा, पंडितों ने ही लिखा है। सब पंडित पोगापंथी नहीं होते और पोगापंथी सब जगह होते। जो गलत बात कहे वो पोगापंथीपन का है। कर्मों का फल भोग सबको भोगना है, इसलिए कर्म सुधार पूजा है। उन्होंने कहा जो कुछ करो सो पूजा, मैं जो करता हूं पूजा है। कबीर साहब ने माया को आकाश में नहीं माना, माया माया सब कहे माया लखे न कोई, जो मन से ना उतरे माया कहिए सोए। भगवान की माया हमें नचा रही है, भगवान की माया नचा रही कि आपकी माया नचा रही है? आप तंबाकू खाने लगे, भगवान ने खिलाया? एक लड़की एक लड़का से मुंह करने लगी, विषाक्त वातावरण हो गया, भगवान ने इसे करवाया? सबकी बनाई अपनी अपनी माया है। भगवान या ईश्वर या परमात्मा शुद्ध बुद्ध है कि गलत है? अगर शुद्ध बुद्ध है तो उसके पास माया कैसे होगी? माया नाम छल कपट। आपके मोहल्ले में आपके टोले में 20 आदमियों को लेकर के कोई बैठा हो और रात में छोड़ दे, और गांव और मोहल्ले में और शहर में वे लूटपाट करें, रक्तपात करें, लड़कियों को उड़ाएं, तो आप क्या करेंगे? पुलिस को इतरा देंगे, पकड़वाएंगे? ईश्वर अगर कहीं छिपके बैठा है और अपने माया को आप सबके ऊपर दौड़ा देता है तो ईश्वर पकड़ाने के योग्य है? ईश्वर की तो पूजा नहीं करनी चाहिए फिर? जब वो माया रखता है और आप पर दौड़ाता है और ईश्वर की माया में आप पिस रहे हैं तो ईश्वर उपासनी कैसे हुआ? इसलिए सब मन का धोखा है। हम अपने सिर का बोझा उतारना चाहते हैं और सब ईश्वर पर लाद देना चाहते हैं। हर बात तकिया कलाम ईश्वर। एक सज्जन मिलने आए, कहे महाराज आपकी कृपा से धान पान अच्छा हुआ है, आपकी कृपा से महाराज लड़की की शादी कर दी, आपकी कृपा से महाराज भैंस भी आई है, आपकी कृपा से महाराज पड़वा मर गया। तो उनसे कहा गया भाई जो मेरे कृपा से और कुल हुआ अच्छा हुआ, ये पड़वा मरना तो अच्छा नहीं हुआ। इसी इलाहाबाद के एक वैष्णव संत मुझसे मिलने आए, कहे महाराज आप तो जानते हैं मेरे आश्रम में 3 कमरे खाली थे राम जी की इच्छा से, राम जी की इच्छा से मैंने उसको किराए पर दे दिया, राम जी की इच्छा से किराएदार किराया ही नहीं देता है। तो मैंने कहा बुरा क्या करता है फिर जब राम जी की इच्छा से नहीं देता है? तो हमारा तकिया कलाम है राम जी की इच्छा से, हमारा तकिया कलाम है कि ईश्वर की माया नचाती है। एक सज्जन से कह मैंने कहा कि आप सत्संग में क्यों नहीं आए? कहे महाराज भगवान ने ऐसी माया डाली है फुर्सत नहीं। हम कहे तो भगवान से हटो फिर, जिसे फुर्सत मिले। तो हंसने लगे। तो ये सब बकवास बिला वजह की बातें आदमी दिमाग में घुसा लिया है, और ये साधारण आदमी का दोष नहीं है। बड़े बड़े पंडितों ने लिखा है अघटित घटनापटी सी माया दृढ़तया निर्वचनीया, ये सब शास्त्रों में लिख डाला है। माया कुछ भी नहीं है, माया हमारे और आपके मन का मोह, ये हमारी अविद्या और अज्ञान है। न तो किसी ईश्वर की माया न भगवान की माया, अपनी माया को समझें। कबीर साहब ने इस पर खूब विस्तृत रूप से कहा है, मन माया तो एक है, माया मन ही समाए, 3 लोग संसेप परी मैं काहे को समझाए। अरे मन का मोह माया है, और अलग कहीं आकाश में माया नहीं बैठी है जो आपके सिर के ऊपर कूद पड़े। कर्म का प्रेरक कोई दूसरा नहीं है, आप जो करते हैं आप जिम्मेदार हैं। जो कुछ भी करते हैं, आपने चोरी की तो ईश्वर ने करवाया, आपने की। ईश्वर की इच्छा के बिना तृण नहीं हिलता है। दुनिया में जितने सत्कर्म होते हैं ईश्वर की इच्छा से हो सकते हैं, लेकिन जो बुराइयां होती वो, अगर ईश्वर की इच्छा के बिना तृण नहीं हिलता है तो चोर की सबरी
दीवार काटने में कैसे हिलेगी, घूस लेने वाला कैसे उसका हाथ चलेगा कि घूस ले ले हाथ में, मिलावटबाजी कैसे करेगा, घी में डालडा डालडा में चर्बी कैसे मिलाएगी, सब ईश्वर करवाता है। फिर कहने वाले अपनी बात अपने कान से नहीं सुनते, अपने मुख की वार्ता सुने न अपनी कान, ईश्वर की इच्छा के बिना तृण नहीं हिलता है, तो दुनिया में जितने दुष्कर्म है उनका क्या होगा। आप अपने कर्मों के जिम्मेदार हैं, आना कानी करके इधर उधर भागे ना, जो करेंगे फल पाएंगे, इसलिए कर्मों का सुधार कर। असली ईश्वर भक्ति है कर्मों का सुधार। कबीर साहब ने अपनी वाणी में इसका जोरदार समर्थन किया है, कर बहिया बल अपनी छाड़ बिरानी आस, जाके आगन नदिया बह सुख स्मरे प्यास, अंततः आत्म शांति जीवन का परम फल है। दुनिया का जितना ऐश्वर्य है एक धोखा है, और इस धोखे में हम अपने को डाले रहते हैं, इस धोखा से तटस्थ हो, उदासीन हो। कबीर वाणी में वैराग अधिक क्यों है, क्योंकि राग से आदमी पीड़ित है। एक गुरुद्वारे में जब मैं भाषण करने गया तो ज्ञानी जी ने कहा, वो बारंबार कहा, कबीर साहब की वाणी में वैराग भरा, वैराग भरा। सचमुच उनका कहना गलत नहीं था। गुरु ग्रंथ साहिब में देखिए तो उसमें भी वही है, बीजक में वही है, जहां कहीं है कबीर साहब की वाणी में वैराग भरा। वैराग का मतलब है गृह त्याग नहीं, कपड़ा बदलना नहीं, वैराग का मतलब है अनासक्ति। अनासक्ति हुई, अनासक्ति जब तक मन में नहीं आएगी कोई साधना सफल नहीं हो सकती। कुरान में ये बात आती है, बाइबल में बात आती है। हजरत मोहम्मद ने कहा, जो दुनिया से उदास रहता हो, कम बोलता हो, उससे मिलो, उससे तुम्हें रूहानी ताकत मिलेगी, सुख में न फंसना। संत ईसा ने भी बाइबल में ऐसी बातें कही, वेदों में ऐसी बातें आती है, उपनिषदों में आती है, गुरबाणी में आती है, कबीर वाणी में आती है। साधक जो कहते हैं कि महाराज मन ठहरता नहीं है, बहुत दिन से साधना करता हूं, खास कारण वैराग की कमी, अनासक्ति की कमी, संसार की नश्वरता पर दृष्टि नहीं, सब कुछ आगमा पाई इस पर ध्यान नहीं, जो आज है कल नहीं रहेगा इसका ख्याल नहीं, क्योंकि ऐसे ग्रंथों का हम मनन नहीं करते, ऐसे संतों के पास बैठते नहीं, ऐसी साधना नहीं करते, इसलिए संसार की नश्वरता सामने नहीं रहती है। दुनिया का खिलौना हमें बड़ा सच लगता है, और इसको लेकर के हम पाप करते हैं, राजनेता लोग तो और पाप करते हैं। ये भोग की जो स्थिति है राजनेताओं में और बड़े उत्कर्ष रूप में है, जैसे गद्दी पहुंचा तैसे अरबों खरबों का वारा नारा उसकी कलम से होता है, और फिर वो इतना भूलता है। आजकल के राजनेता तो कुछ राजनेता जातिवादी भावना उठाते हैं और कुछ सांप्रदायिक, ये दोनों गलत है। जो राजनेता सांप्रदायिक भावना उठाते हैं वो जाति भावना उठाना पसंद नहीं करते, और जो जाति भावना उठाते वो सांप्रदायिक भावना उठाना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन हैं दोनों धोखे में। जाति भावना भी गलत है, सांप्रदायिक भावना भी गलत है। राजनेताओं को चाहिए समाज की सेवा करके वोट मांगे, हिंदू और मुसलमानों को भड़का करके नहीं, और सवर्ण और अवर्ण को भड़का करके नहीं। लेकिन राजनीति में दो खोट आज 15-20 वर्षों से बढ़ रही है और निरंतर बढ़ती जा रही है, जनता को इसमें जागरूक होने की जरूरत है, और राजनेता को स्वयं वो बालकपन न करे, इससे देश कमजोर होगा, दुर्बल होगा, संगठन होगी, शांति होगी, तभी उन्नति होगी। भारत हमारा देश एक देश है, वो एक घर है, यहाँ पैदा हुए जितने लोग हैं सब भाई भाई हैं, उनका नाम हिंदू मुसलमान ईसाई यहूदी कुछ हो, वे आपस में प्रेम से रहें। वेद की ऋषि यही कहते हैं, जन्म विवृति बहुधा विवाद सम, नाना धर्माणम पृथ्वी यथोक्सम, सहस्रम धारा द्रण समेदुहाम, ध्रुव धेनुर न पस्फुरंती। हे पृथ्वी माता, ये पृथ्वी सूत्र सूक्त में वेद में मैंने ये सब लिखा है। वेद क्या कहते हैं, मेरी एक पुस्तक अभी अभी प्रकाशित हुई है, जिसमें 121 संदर्भ है, 700 से कुछ पृष्ठ ऊपर है, वे चारों वेदों के सब
सारी सामग्री उसमें इकट्ठी हो गई। जन्म विभ्रति, अय पृथ्वी माता, जन्म विभ्रति तुम जनों को अपने में धारण करती हो। कौन जनों को? बहुधा विवाच सम, जो बहुत भाषा बोलते हैं, अनेक भाषा भाषी मनुष्यों को हे पृथ्वी माता तुम अपने में धारण करती हो। जन्म विभ्रति बहुधा विवाचसम, नाना धर्माणम पृथ्वी यथोक्सम, और नाना धर्माणम नाना संप्रदायों में चलने वाले लोगों को तुम अपने में कैसे धारण करती हो? यथोक्सम, यथा ओकसम, जैसे ओकस, ओकस नाम घर, घर परिवार के सभी प्राणियों को धारण करता है, चाहे वो तामसी हो, चाहे राजसी हो, चाहे सात्सी हो। इसी प्रकार ऐ पृथ्वी माता नाना संप्रदायों में चलने वाले नाना भाषा बोलने वालों को तुम अपने में धारण करती हो। इतना उदार विचार वैदिक ऋषियों का है। और जो वेद के पक्षधर बनते हैं वो कितने संकुचित होते चले जा रहे हैं। भारत में दूसरा कौन है? सब भारत के सपूत है, और इसमें फूट पड़ेगी तो देश कमजोर होगा। इसलिए जो राजनेता जाति को उठाते हैं और जो संप्रदाय को उठाते हैं, वे नहीं समझते हैं कि हम कुर्सी के मोह में देश को तोड़ रहे हैं और कमजोर बना रहे हैं, और इसमें सबका नुकसान होने वाला है। कबीर साहब ने बताया, मानो मानो से प्रेम करो, देश क्या, राष्ट्रीयता क्या। चंद्रमा को कोई राष्ट्र नहीं कह सकता है, चंद्रमा में मनुष्य गए लेकिन राष्ट्र कहा नहीं जा सकता है। मनुष्य राष्ट्र, जहां मनुष्य नहीं होगा राष्ट्र नहीं होगा। मनुष्यों में जब एकता होगी तब राष्ट्रीय भावना होगी। राष्ट्रीय भावना का हम गीत गाते हैं और मनुष्यों में टूटन उत्पन्न करते हैं, ये कौन राष्ट्रीय भावना है? हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य है शांति की प्राप्ति। सुख सबको प्रिय, और सुख शांति के बिना नहीं मिलता है। उसके लिए इंद्रिय जयी होने की जरूरत है, अपने मन और इंद्रियों पर विजय। परमात्मा पाने की वस्तु नहीं है, क्योंकि परमात्मा बिछुड़ा नहीं। बस कुछ मिनट बाकी, आप लोग सावधान। आज से कोई 35 वर्ष पुरानी घटना है, प्रवचन करके मैं एकांत जंगल की तरफ चला गया। शाम का टाइम था, ध्यान में बैठ गया। एक 20 वर्ष का युवक खोजते हुए मुझे मिला। आठ हुई, मैंने आंखें खोली, मैंने कहा क्यों आए? कहे महाराज परमात्मा कब मिलेगा? मैंने कहा परमात्मा के बिछुड़ने की तारीख तुम बताओ तो मिलने की तारीख मैं बताऊं। वो ठगमारा खड़ा रह गया। मैंने कहा वो कभी बिछुड़ा ही नहीं है, मिलना नहीं है। अपना मन जो बाहर लगाया हो समेट लो, बस अंदर में वो मौजूद है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए, तैसे घट घट राम है दुनिया जानत ना है। पानी में मीन पियासी, मुझ सुन सुनी आवत हांसी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। वेद की ऋषि कहते हैं अष्टाचक्रा नौ द्वारा, देवानाम पूर्योद्या तस्याम हृदय कोश स्वर्गो ज्योति सागरता है। आठ चक्र स्वाधिष्ठान मणिपुर अनाहत विशुद्धि आज्ञा सहस्रसार सुरत कमल, ये आठ चक्र शरीर में गुदा से लेके सिर तक माना है योगियों ने। और नौ द्वारा, दो आंख दो नाक दो कान मुख टट्टी पेशाब की जगह, देवानाम पूर्योद्या मन इंद्री रूपी देवताओं की अयोध्यापुरी ये शरीर है। तस्याम हृदय कोश, उसमें सोने का खजाना है, वो सोने का खजाना आत्मा है। स्वर्ग ज्योति सावृता है, उस आत्मा को समझ ले और आत्मस्थ हो जाए, आत्मलीन हो जाए तो स्वर्ग की प्राप्ति। जो ज्योत से आवृत है वही स्वर्ग है, बाहर स्वर्ग नहीं है। सभी ऋषियों ने अपनी तरफ लौटने के लिए कहा, यत्र नानत पश्यत नानत श्रोत नानत विजानात स भूमा। जब दूसरे को नहीं देखता, नहीं सुनता, नहीं जानता, ये भूमा की दशा है। ये सनत कुमार ने नारद को समझाते हुए कहा छांदोग्य उपनिषद में, देखना सुनना बंद करो, चश्म बंदो, गोश बंदो, लब्य बंद, गर नवीनी सर्रे अकबर मन बखन। रूमी साहब ने कहा चश्म बंदो, आंखें बंद कर लो, गोश बंदो, कानों को बंद कर लो, लब्य बंद, ओठों को बंद कर लो,
इतने पर सत्य के दर्शन न हो तो मेरा मजाक उड़ाना पाना नहीं है। ईश्वर दर्शन चारों वेदों में मैंने कहीं नहीं पाया, छह शास्त्रों में नहीं पाया, समस्त उपनिषदों में नहीं पाया। ये पुराण काल की देन है, ईश्वर दर्शन देता है। अब आजकल तो ईश्वर दर्शन कराने के लिए बहुत ठेकेदार घूमते हैं। एक भक्त ने कहा कि एक दूसरे ने कहा कि आप दीक्षित हुए, कहे हाँ हुआ, कहे ईश्वर का दर्शन हुआ, कहे नहीं हुआ, कहे तो आपके गुरु खोटे, हमारे गुरु पास आ जाओ, उस दिन ईश्वर दर्शन करा दे। ईश्वर दर्शन, दर्शन जो होता है ईश्वर होता है, वो तो दृश्य होता है, रूप होता है। गो गोचर जालक मन जाए सो समाया जाने हो भाई, गोस्वामी जी ने भी कहा। जहां सारे दर्शनों का अंत होता है, चश्म बंदो गोश बंदो लभ्य बंद, रूमी साहब कहते हैं जो इस्लामिक संत है, वैदिक संत ऋषि कहते हैं, यत्र नानक पश्यत नानक श्रोत नानक बिजानात, जहां दूसरे को नहीं देखता, नहीं सुनता, नहीं जानता, सब भूमा, वो भूमा है, वो परम पद है। साहेब ने कहा समझ बूझ जड़ हो रहे, बल तज निर्बल हो, कहे कबीरता संत का पला न पकड़े कोई, समझ बूझ ले फिर निर्माण हो जाए, सारा अहंकार छोड़ दे, अपने आप में लीन, उस संत का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। परमात्मा आपके अंदर में बैठा, आपकी चेतना, बाहर कहीं परमात्मा खोजने से नहीं मिलेगा। इसलिए सब घट मेरा साईं या सोनी सेज न कोय, बलिहारी ते घट की जाघट प्रगट हो, साहेब ने कहा। सब घट में मेरा स्वामी बैठा है, उस घट की प्रशंसा है जिन्होंने अपना उद्धार किया। ये मानव जीवन का फल, विवाह करना, नौकरी करना, खेती करना, व्यापार करना, लड़का पैदा करना, बाल बच्चा पैदा करना, मठ मंदिर बना लेना, गुरु बाबा बन जाना मात्र नहीं है, ये सब व्यवहारिक पक्ष है। इस मानव जीवन का फल है आत्मा को पहचानना, अपने मन वाणी कर्मों को शोधना, विकारों को दूर करना, इंद्रिय जयी होना, मनोजयी होना, इसी जीवन में तृष्णा का क्षय करके आत्मस्थित प्राप्त करना। वह आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा से अलग परमात्मा खोज करके नहीं मिलता है। जो कुछ मिलेगा वो आपके इंद्रियों और मन द्वारा मिलेगा, इंद्रिय और मन द्वारा प्रतीत सारा दृश्य। यदा पंचाव तिष्ठन्ते ज्ञानान मनसा सह बुद्धिश्चाना विचेष्टताम आहु परमाम पदम, जब पांचों ज्ञान इंद्रिय मन और बुद्धि शांत हो जाते हैं तो ये परम पद है। इसलिए पाना नहीं है, खोना। आज तक जो कुछ हमने पा रखा है सबका अहंकार खो दो, मेरा कुछ नहीं है। जब ये दशा आएगी तब वो अवस्था आएगी जिसको आप कह सकते ब्रह्म मिल गया, परमात्मा मिल गया, ईश्वर मिल गया, अल्लाह मिल गया, आत्मस्थित हो गई, स्वर्ग मिल गया, जो कि नित्य मिला मिलाया है। कबीर वाणी हमें प्रेरित करती है कि मानो मानो को मानो की दृष्टि से देखे, जात पात की विषाक्त भावना को एकदम दूर करें, और धर्म के क्षेत्र में सांप्रदायिक भावना को भड़काने की तो बात दूर, इसको तो दूर ही रखे, सांप्रदायिकता का बीज भी न बोए। वैसे संतों ने संप्रदाय मिटाना चाहा, लेकिन उन्हीं द्वारा संप्रदाय बन गया, बन जाता है संप्रदाय। जहां बहुत से लोग इकट्ठे हुए तो एक नियमावली हो जाती है, संप्रदाय बन जाता है। लेकिन सभी संप्रदाय वाले ये समझें कि कोई संप्रदाय अलौकिक नहीं है, सब मानवीय है। कोई संप्रदाय सत्य का एक अधिकारी ठेकेदार नहीं है, सत्य सबके दिल में है। उसके लिए यथार्थ गुरु चाहिए जो रास्ता दिखाए, और अमुक संप्रदाय की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा को कोई ठेकेदार नहीं है, परमात्मा सबके अंदर में बैठा है। इसलिए सबके साथ आदर का व्यवहार करें और अपने मन इंद्रियों को जीतें, अपने में समाहित हो, शांत हो, यही परमात्मा की उपलब्धि है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।